मोदी ने जो सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, हम उसके खिलाफ हैं। हमारी मांग है कानून सारे दोबारा लागू करे जाए और समान वेतन समान काम दिया जाए। मतलब मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने प्रदेश और देश में जो तानाशाही चला रखी है उसके खिलाफ है, और जो मजदूरों को और किसानों को जो बिल्कुल मतलब उन्होंने अनसुना कर दिया है। जगह जगह हम आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह हम प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया है। उसके खिलाफ हम मजदूरों को, अपने भाइयों को 21,000 वेतन लेने के लिए और ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए, जो हमारे मजदूरों के जो कानून 44 थे उन्हें उन्होंने कम करके 4 कर दिया, उसके खिलाफ आज हमारे सभी साथी, आप देख सकते हो इस मौसम में भी हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग है जो कम से कम 21,000 वेतन होना चाहिए, ठेकेदारी समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठेकेदारी पिठा रोक ले, सारे लोग परमानेंट होने चाहिए। हमारे सभी मजदूर बहन भाई जितने भी हैं इससे इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसने जितने भी रूल कानून बनाए हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर हो, चाहे वो घरेलू घरघाता कामगार हो, चाहे वो बेंडर जो टेढ़ी पटरी कहीं पे भी लगा रहे हैं, बाजारे लगा रहे हैं, सभी को इस सरकार से परेशानी है। 1.5 साल से हम बस ब्याज पे पैसे उठा रहे, किराए वालों को दर हफ्ते आते बेचने के लिए, हमको कपड़े नहीं बेचने दे रहे और कपड़ा छीन लेते हैं। एक गठरी 1,000 रुपए की बेचो तभी वो लेके, और कहते 500 रुपए लाओ तभी गठरी हम देंगे। मोदी जी से तो हम यही बात चाहते हैं कि मोदी जी अंकल, हम तो यही बात करेंगे कि हम आपके गुजरात से ही हैं, मगर हमारी गरीबी हटा दो, हम बहुत गरीब है। नाम रामविलास चौकर, CEL एम्प्लॉयज यूनियन उपाध्यक्ष। तो हमारे यहाँ जो है इतनी बढ़िया कंपनी चल रही है, ये प्रॉफिट कमा रही है लगातार 4-5 साल से, और रक्षा उत्पादन में है। हम वो चीज़ बना रहे हैं जो कोई नहीं बना रहा हिंदुस्तान में, जो रडार में लगता है PCM, वो हम बना रहे हैं, और हमने ही वो जो है मतलब यहाँ डेवलप किया है CEL ने। पहले उसे जो है इसराइल से आता था, जब ये परमाणु विस्फोट हुए उस समय प्रतिबंध लग गया, तो CEL ने उसे R&D करके डेवलप किया उस चीज़ को, उसे हम बना रहे हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इस कंपनी के पीछे ऐसी पड़ी है, इसे बेचने के आमादा है। 3-4 बार इसकी UI निकल गई, लेकिन कोई किसी ने भिड़ नहीं डाली। छोटी कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कम से कम 1,000 लोग यहाँ जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयज में है, और उसके इनडायरेक्ट में कम से कम 4-5 हज़ार लोग, मतलब 5-6 हज़ार लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को 50 करोड़ ओनली, जो लोग लाला लोग फंड देते हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। नहीं, क्या कारण है जो 3,500 करोड़ कंपनी को 50 करोड़ में बेच रही कंपनी? 50 करोड़ से क्या इनका भला हो जाए, कितना इनका खजाना भर जाएगा? मोदी जी बोले थे कि 15,000 वेतन करा देंगे, पोस्टल छपवाए से हमारे नेवाड़ा में, सभी मजदूरों ने खुश हुआ कि हमारे वेतन 15,000 होगा, लेकिन पोस्टल लगी रह गई, आज तक ले वेतन नहीं बढ़ा, 6,000 के 6,000 रह गया। हम मजदूरों ने 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 6,000 तनख्वाह रुपया पाते हैं, वो भी समय पर नहीं मिलता है। रेड़ी पटरी लगाते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, और कमिटी से रेड़ी का हमारे उठा लिया जाता है, और जितने सिलेंडर है गैस है कारोबार उठा दिया जाता है, लेकर चला जाता है, फिर दोबारा जाओ वहां से पैसे देकर अपने रेड़ी लाओ, तब लगाओ, पुलिस के डंडे खाओ। हमारे बुजुर्ग जो 40-50 साल की पुरानी बाजार तय बाजारी थी, तय बाजारी हटी तो लाल किले में मिली, वहाँ से हटाया गया तो पावर हाउस थी, अब पावर हाउस से हटाया तो हमें बिल्कुल ही हटा दिया इन्होंने। लेडी जब हम बेचने जाते हैं लाल किले में, जब लाल किले हम बेचने जाते हैं, फिर हमें 500 मांगते तब हमें बाजार लगाने दे रहे, और नहीं देंगे तो गठिया हमारी छीन ले रहे पुलिस वाले, और ऊपर से डंडे मारे और गंदी गालियां बकरे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जो 2 टाइम रोटी खा रहे थे, अभी 1 टाइम रोटी खा रहे थे। हम गुजरात के हैं, हम मोदी के गुजरात के ही है, मगर हम जब बर्तन बेचने जाते हैं सुबह में 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे हम घर पे पहुंचते हैं, तब 1 टाइम रोटी बनाते हैं, तब हम खाना खाते हैं। इनका सिर्फ उद्देश्य अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, लाला लोगों को फायदा पहुंचाना। ONGC जिसका 50,000 करोड़ रिजर्व फंड था, सारा रिजर्व फंड ले लिया, जो वर्ल्ड में नंबर उसका लगता था 40वें या 45वें नंबर आपसे पहले था, सारा रिजर्व फंड ले लिया, आज उसमें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी कंपनी जो सबसे बड़ी थी वो सबसे नीचे आ गई, और जो अंबानी की कंपनी वो सबसे ऊपर पहुंच गई, वर्ल्ड में नंबर पे आ गई वो। अभी हम लोग पैदा गुजरात के रहने वाले हैं, पर हमारा जन्म, हमारे माँ बाप का जन्म भी दिल्ली में हुआ,
और लाल किले के पीछे हमारी बाजार लगती थी ऐतिहासिक मार्केट मुगलों के जमाने की। हम अपना पुराना सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, पर सरकार को लाल किला सुंदर बनाना था तो सुंदरता के चक्कर में हमको उधर से भी उजार दिया। 5-6 साल भटकने के बाद हमको पावर हाउस में जगह मिली इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास। तो दिल्ली में खेल करवाने हैं सरकार को कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें भी दिल्ली को गरीबी हटाने के चक्कर में गरीबों को उजारती है सरकार। कोई भी सरकार आए दिल्ली में हमको आपत्ति नहीं है, पर यह है कि हम गरीबों का रोजगार नष्ट मत करो। निर्माण काम वालों का इतना रोजी रोटी कर करके बोले त्रिपक्षीय बोर्ड बनेगा, मजदूर भी डालेगा, सरकार भी डालेगी, ठेकेदार भी डालेगा पैसा उसमें। अब जब करोड़ों की जायदाद उसमें बन गई तो सरकार की आंखें फट गई, तो बोले बोर्ड भी बंद कर दो। अब तो गरीब कहाँ जाएगा, फिर खाली वोट लेना है, राजा हम बनाए और राजा हमारा ही नाश निकाल दे, तो अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे।